संदीप सरताज जी, सत श्री अकाल। सर, ये आपके इस मुहिम के बारे में कुछ बताइए। ये आप जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं ये कोरोना पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों के लिए जीएमसी में, ये मुफ्त में आप दे रहे हैं उनको, तो ये क्या एग्जैक्टली आपका क्या ये कार्यक्रम है, बताएंगे जरा। हम लोग पहले ना 10-15 दिन से कंटिन्यू ऑक्सीजन तो बांट रहे हैं, तो बाद में हम लोग जीएमसी में जाते थे ना, तो हमने लोगों को नोटिस किया, लोगों मतलब पेशेंट को तो खाना कुछ मिलता है मगर उसके रिलेटिव है ना, तो उनके लिए जीएमसी में खाना लेके जाने के लिए रेडी नहीं है, लोग कोविड से डर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने बोला कि खाना नहीं मिल रहा, तो हमने बोला अभी हमने 4-5 दिन से चालू किया है, किचन चालू किया हमारे, तो सेटअप किया हम लोग डेली 500-600 लोगों का पैकिंग करके खाना ना पैक करते हैं कंटेनर में, और जो भी हो ना हम मतलब ऐसा उनको डिलीवरी उधर देते हैं, हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी लगाते हैं हम लोग, जिसको भी चाहिए कि उधर लेके जा सकते हैं। तो ये कितने लोगों का खाना रोज आप बना रहे हैं? अभी कल हमने 450 लोगों का बनाया था, अभी जिस हिसाब से अभी डेली से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, अभी आज हमने 600 किया पैक करेंगे, अभी कल से देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था, पहले लोग कम आए थे कल, तो अभी जैसे जैसे लोगों को पता लगा अभी लोग आने लगे, तो ऐसा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। पूरा जो आप सुविधा प्रदान कर रहे हैं ये गोवा सिख यूथ एसोसिएशन के अंडर हो रहा है। हाँ जी, गोवा सिख। तो ये क्या एसोसिएशन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारा 5 साल पहले हमारे गोवा सिख यूथ, हमारे 10-12 लड़के हैं इसके अंदर में, यूथ है हमारा, तो वो जो कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं तो मिलके करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने दो कुछ भी आने दो, एक हमारा ग्रुप है, हम मीटिंग बुलाते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसके मीटिंग करके कोई हेल्प करते हैं लोगों की। तो ये कितना बड़ा एसोसिएशन है आपका, कितने मेंबर्स हैं? मेंबर इस पे हमारे 12 मेंबर हैं। तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं ऐसा ना, हमारे साथ में 12-13 मेंबर है, तो इसके साथ में और लोग हमारे साथ में मतलब लोगों को पता है ना, वो काफी जुड़े हुए लोग। तो ये जो कोरोना के मरीज और उनके रिश्तेदारों के लिए इतना जो खाना आप पहुंचा रहे हैं अभी इतने टाइम पे, आपने शायद ये मुहिम पिछले साल भी, पिछले कोविड में भी आपने ये चलाया था? हमारा पिछले साल में ये चल रहा था, हम लोगों ने 2 मंथ में कंटिन्यू खाना बरताया था, तो लास्ट टाइम हमने 300 से चालू किया था, तो 6000 को पर डे दे रहे थे हम लोग। तो इतना जो खाने का खर्चा कितना आता है, कितना क्वांटिटी आपका खाना जाता है और उसका खर्चा कैसे उठाते हैं? खाने का जी हमारे पास में लोग आते हैं, कोई ग्रोसरी देके चला जाता है, कुछ चावल देता है, कुछ देता है, ऐसा सब लोग देते हैं हमारे को, तो हम बना देते हैं। तो खर्चा मतलब हम लोग पहले हम डिस्ट्रीब्यूट जितना होता है हम लोग आपस में करते हैं, तो बाद में स्टार्ट करते हैं, बाद में हमारे साथ धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं और अपने आप जो जिसको चाहिए कुछ देके चला जाता है ग्रोसरी। तो ये इतना देर तक सस्टेन करने के लिए चल जाता है आपके पास, इतना आ जाता है मैटर? लोग आते जाते रहते हैं डेली, कोई हम लोग ऐसा करते हैं ना, एक ही दिन कोई आदमी कॉल करता है कि मैं एक दिन का खर्चा कितना है, हम उसको टाइम देते हैं, एक दिन का तू दे, एक दिन का तू दे, ऐसे लोगों को कॉल करते हैं, ऐसा बोलते हैं, जिक्र नहीं हमारे पास होता हम कॉल करते हैं कि ये दिन फ्री है खाना देने के लिए, आप इतना खर्चा मतलब हमारे को इतना ग्रोसरी दो, हम आपको खाना बनाते हैं। इसका रिस्पांस कैसा आता है आपको? रिस्पांस अच्छा आता है, बहुत लोग अभी हम लोग आ रहे हैं तो लोगों का पेट भरना, लोगों को पता हमारे साथ लोग जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली ज्यादा कैश नहीं लेते मोस्टली, हम बोलते हैं ग्रोसरी जो आपको चाहिए ऐसे लेते हैं। तो आगे आपका क्या विचार है, आगे इसको और कैसे करना है? आगे हम लोग कंटिन्यू जब तक कोरोना चल रहा है कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारे को भगवान कृपा करेगा, हमारे आदमी फिट रहने चाहिए, होएगा तो हम लोग लगे पड़े हैं, बस कंटिन्यू करेंगे जब तक ऐसा संकट है ना। सर, ये आप जो खाना प्रोवाइड कर दे रहे हैं ये गोवा कोरोना पेशेंट्स के लिए जीएमसी में, आपके खाने में क्या क्या होता है और कैसे बना है ये खाना? खाना हमारा कोई अभी ऐसे ही, हम लोग डेली पहले ऐसा मेनू है, पहले दिन हमने खिचड़ी दिया था, वेजिटेबल खिचड़ी, ग्रेन डाल के देते हैं हम 6 टाइप प्रकार की, और देसी घी में बना के देते हैं, और बाद में हम लोग वेज पुलाव देते हैं रायते के साथ में, तो एक दिन दाल देते हैं मतलब येलो दाल और राइस देते हैं, तो बाद में एक दिन कड़ी चावल देते हैं, एक दिन राजमा चावल देते हैं, मतलब लाइट मसाला डाल के हम लोग देते हैं, हेल्दी थोड़ा अच्छा हो, हम लोग देसी घी में बनाते हैं जी खाना पूरा, कुछ लोग देते हैं लेके जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि देसी घी में बनाने के लिए देसी घी में। तो इसके आपको जो लोग बनाते हैं वो आपके खुद के ही लोग हैं या आप लाते हैं कहीं से? नहीं, हमारा फूड की हमारी टीम ही बनाती है, हमारा जो भी मेंबर काम करता है फ्री सेवा करता है, और किसी को हम सैलरी कुछ नहीं देते, सब फ्री में। तो ये आप लोगों का जो डेली जो रूटीन जो अदरवाइज काम होता है आप क्या करते हैं? हम लोग अलग अलग ड्यूटी लगा के रखा है जी, हमारी टीम है, 2-2 दिन 3-3 बदल के आते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, कोई लोग सैलरी पे है, कोई ऐसे बिजनेसमैन है, अलग अलग टीम हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 दिन ऐसे करके सब ऐसे डिवाइड अपनी ड्यूटी में आते हैं। तो फिर इससे आपका काम अफेक्टेड नहीं होता है, काम आपका इम्पैक्ट नहीं होता है?
होता है, मतलब क्या करें हम लोग, अभी सेवा में लगे हैं, थोड़ा अभी लॉकडाउन चल रहा है, काम भी इतना भी नहीं है, तो हम लोग सेवा करते हैं, होता है, बट क्या हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। करण सिंह जी, ये जो आप लोग कर रहे हैं, या आप भी ये गोवा सिख यूथ एसोसिएशन के मेंबर हैं जी, तो करण सिंह जी, आप क्या समझते हैं, ये जो आप जो मुहिम चलाया आप लोगों ने खाना देने का कोरोना पेशेंट उनके रिश्तेदारों का, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर ऐसा नहीं, ये देखो हम लोग क्या है, सब कोई वर्किंग में है, कोई सैलरी पे है, कोई किसी का अपना बिजनेस है, हम लोग 12 लोगों की टीम है हमारी, लेकिन हम लोग ये जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी ये कोरोना आ गया, या फ्यूचर में अगर कभी पहले कभी फ्लड आ गया, या कभी भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तब हम लोग, हमारा ग्रुप ये एक्टिव होता है, अदरवाइज सब अपने अपने काम पे रहते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी कोविड टाइम चल रहा है, लास्ट ईयर भी जब कोविड था, तब भी हमने मतलब 40 डेज हमारा कंटिन्यू लंगर था, तब हमने 300 से स्टार्ट किया था फर्स्ट डे से, और फिर लास्ट जब हमने 5000 से 6000 तक हम लोग एवरी डे फूड प्रोवाइड करते थे। तो ये जो सारा दिन आप लोग इस गर्मी में धूप में लगे हुए हैं ये करने के लिए, कभी थकावट या कभी कमजोरी महसूस नहीं होती? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं, हम क्या है, हमारे भाई जी की हमारे ऊपर मेहर है, तो उन्हीं का नाम से हम लोग कंटिन्यू लगते हैं, कभी हमको थकावट तो लगती नहीं। अभी क्या है, जब लास्ट टाइम हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भी कंटिन्यू 24 आवर हम लोग खड़े हैं, कभी भी कुछ किसी को भी प्रॉब्लम है, हम लोग हेल्प के लिए जितना हमसे होता है हम लोग उतना कर रहे हैं। सर जी कुछ अपने बारे में बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजीव मल्होत्रा है। राजीव मल्होत्रा, हाँ जी। पहले से तो मैं इनके साथ काफी पहले से जुड़ा पाऊँ, बट इस बार सेवा करने पहली बार आया हूँ, क्योंकि ड्यूटी टाइमिंग कैसे रहते हैं, तो इस बार टाइम है, काम बंद हो गया, तो आ गए इसलिए करेंगे सोचा। तो ये जो आप कर रहे हैं, आपको इसके लिए ताकत या प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ताकत या प्रेरणा कितनी बैठे थे कि खाली है, किसी के काम आ जाऊं, कुछ हो जाए, इससे अच्छा कुछ होगा नहीं, तो बस सेवा भाव से। तो सिख कम्युनिटी का हमने देखा है कि हमेशा कोई भी विपत्ति हो, कोई भी इमरजेंसी हो, हमेशा आगे आके लोगों की मदद करते हैं, तो उसका क्या खासियत है, क्या इंस्पिरेशन है? हमें बचपन से सिखाया जाता है सेवा करनी है और सेवा ही करनी है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमें सिद्धांत की जैसे बचपन से पहला काम क्या करना है, लोगों की सेवा करनी है। बढ़िया, थैंक यू सो मच। माय नेम इज आर्थुरो डिसूजा एंड दिस इज माय प्लेस। What we have noticed now, it's all about compassion, it's all about giving love, and anything that helps this cause, you know, we have got to, as human beings, we have got to understand. So there was an appeal that came from them that they wanted space. Actually, they were looking out for us a closed down restaurant. So I told them, I said, why didn't you take my place? I have got two rooms here where we used to run a children's nursery. So I showed them the place, they agreed. So I have given whatever I could in terms of water, electricity and the space, of course. Let them cook, because they are also very compassionate people, the Sikh community. They have shown their love even earlier. So they want to do it now also. So I have given them. It's a very wonderful thing to see a Catholic person giving his space out for a Sikh community, which actually stands true for India's ethos, there's unity in diversity. So how do you see this? Absolutely. There is no religion nowadays, no religion, no land, no money can help you. It's only compassion. This land, if it is going to be there for no purpose, it's useless when people are dying here. So I believe that we have got to share this message to everybody that you, what am I going to do with this land here? What am I going to do with the money? What am I going to do this? So it's all about love. As the more the love you spread, the better it is. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you.
सोनिया सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु की फतेह। सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम